और भाइयों, क्या हाल चाल है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था अपने वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम को लेके। उसको आप बहुत से लोगों ने देखा और अप्रिशिएट किया है। बहुत से लोगों ने बोला है कि ये उनको जो है वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत उनको हेल्प करने वाला है जब वो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस है जो कि कमेंट सेक्शन में आए थे, तो मैंने कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने कुछ एक दो लाइव सेशन करके बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर कर दिए थे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने लिंक्डइन पे क्वेश्चंस पूछे थे जो कि मैंने लिंक्डइन पे आंसर कर दिए थे। लेकिन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको जो है मैं सेपरेटली बता दूं आपको। वो है डिग्री से रिलेटेड। हर कोई पूछता है कि जो डिग्री मिलेगी वो कौन सी डिग्री मिलेगी, और जो ये डिग्री होती है वो पार्ट टाइम डिग्री मिलती है और जो कि वैलिड नहीं होती है बाकी कंपनीज वगैरह में, ठीक है। इससे रिलेटेड बेसिकली उनके मन में डाउट्स हैं, या उनको कहीं ना कहीं आई डोंट नो वो कहाँ से ये सब इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और जब भी वो मेरे को पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि यार हमें कुछ लोगों ने बताया है कि ये डिग्री है ये बेकार होती है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई यूसेज नहीं है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो पहले तो मैं डिग्री दिखा दूँ आपको। जो बिट्स पिलानी से ये वाली जो डिग्री है वो मिलती है। आई डोंट नो मैं सोशल मीडिया पे क्यों दिखा रहा हूँ, लेकिन एज लॉन्ग एज मतलब ये किसी की हेल्प करता है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो इट, ठीक है। तो ये डिग्री है जो कि मुझे मिली थी 2015 में, ठीक है। मैंने जो प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था वो 2011 से किया, तो 4 साल में डिग्री कंप्लीट हुई थी। ये जो है पीछे का हिस्सा है, तो इसको एनीवेज मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा क्योंकि शायद फोटो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और पहली बात, ये डिग्री जो है ये सिर्फ जो स्कैन कॉपी है, जो कि क्योंकि ओरिजिनल जो डिग्री है वो मेरे घर पे पड़ी हुई है। मैंने ब्रदर को बोला था कि स्कैन करके मुझे भेज दे, फिर मैंने इसका प्रिंट आउट लिया है आपको दिखाने के लिए। और ये सेम आपको डिग्री मिलेगी। इस आप डिग्री पे देखोगे तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये जो डिग्री है ये आपने एज अ यू नो पार्ट टाइम काइंड ऑफ डिग्री की हुई है। इसकी वैल्यू जो है जो किसी भी अदर मास्टर्स डिग्री की वैल्यू है वो सेम वैल्यू ये कैरी करता है। और अगर कोई आपको बोल रहा है कि इसकी वैल्यू नहीं है, तो पहले तो उनसे पूछना कि उन्हें किसने बताया कि इसकी वैल्यू नहीं है, या अगर कोई कंपनी ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि वो इस डिग्री को नहीं मानते, तो उन्हें बोलना कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करे, ताकि हम लोग को भी पता चले कि जो बेसिकली ये अफवाह है या रियल है। तो एज पर जो मुझे पता है ये डिग्री आपकी वैलिड है, और बहुत से मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो डिफरेंट कंपनी में गए हुए हैं, और वो मतलब ऑब्वियसली यार बिट्स की डिग्री वैलिड नहीं होने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक चीज़ और, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये मास्टर ऑफ साइंस क्यों लिखा हुआ है जबकि आपने शायद आप लोगों को एमटेक वगैरह की डिग्री मिल रही है, तो उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस थी कि या तो हम एमएस या एमटेक में कोई में भी ऑप्ट कर सकते थे। तो मैंने एमएस में ऑप्ट किया था। आपको शायद अब शायद वो वाली ऑप्शन नहीं है, अब सिर्फ सबको एमटेक ही करवाया जाता है और आपको एमटेक की डिग्री मिलेगी। तो डिग्री वैलिड है और आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। हर कंपनी में आपको जो ये डिग्री है, जब भी आप उनके एजुकेशनल पोर्टल में, जो आपका जो भी नई कंपनी में जाओगे उसका करियर पोर्टल होगा, वहाँ पे आपके एजुकेशन में ये वाली जो डिग्री है वो भी दिखाया जाएगा, तो इट इज़ वैलिड। उसके अलावा एक आधे क्वेश्चन और थे कि अगर आपके जैसे ग्रेजुएशन के बीच में अगर गैप है, तो क्या मतलब आप जो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो कि नहीं। तो आई थिंक हर कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। जो विप्रो की पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर आपके ग्रेजुएशन के बीच में गैप है, फॉर एग्जांपल ऐसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, उसके बाद में भी सेकेंड ईयर से पहले कोई गैप है या थर्ड ईयर से पहले बीच में कोई गैप है, तो उस केस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। बाकी इसको जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपका यू नो फर्ज बनता है कि आप इसको वेरीफाई करें, स्पेशली अगर आप कोई भी ऑफिशियल पर्पस के लिए यू नो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, या जो जिस फेज से मैं गुजरा हूँ, या यू नो जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई है, मैं सिर्फ वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट ये प्रोग्राम ख़त्म किए ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हुए हों, लेकिन ऑब्वियसली जो बेसिक है या फाउंडेशन लेयर है वो कभी चेंज नहीं हुई होगी। जैसे कि ये डिग्री हो गया, डिग्री का ऑब्वियसली फॉर्मेट बिट्स रातों रात चेंज नहीं करेगा। तो जो भी आपको डिग्री वगैरह मिलती है वैलिड होती है, एंड डबल माइंडेड मत रहो। और जो अगर आप सोशल मीडिया पे या फेसबुक वगैरह पे इंफॉर्मेशन सर्च करने जाते हो, तो वहाँ यार हर किसी ने जो है इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, चाहे वो वैलिड हो या ना हो, तो उस टाइप के इंफॉर्मेशन से बचो। और अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट में बता देना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगती है तो कमेंट में बता देना कि वैल्यूबल थी, या कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस है जो आप चाहते हो कि मैं आंसर करूं,
तो वो सब बता देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं बनाऊँ सब ये सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।